तो आज हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या दे अपने पपी और डॉग्स को कि जो नॉन वेज के अलावा जो पौष्टिक भी हो और उनके शरीर पर अच्छा प्रभाव भी डाले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे कई तरह की सब्जियां मिलाई गई हैं, जैसे परवल है, गाजर है। आपको सभी को छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है ताकि वो अच्छी तरीके से उबल सके। इसमें आप देख सकते हैं कि पम्पकिन भी डाला गया है। पम्पकिन को आपको अपने पपी को ज़रूर देना है क्योंकि ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है और उसके पाचन तंत्र को काफ़ी बेहतर करेगा। उसके बाद मैंने इसमें सोयाबीन के कुछ दाने डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं 10, 15 या 20, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और इन सभी को अच्छी तरीक़े से आपको पानी में धो लेना है और इनके छिलके को उतार देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अब मैं हल्दी डालने जा रहा हूँ। आप इसमें किसी भी तरह का नमक या और मसाले का प्रयोग ना करें, केवल हल्दी डालें और पानी में इसको उबालें। ध्यान रखें कि आपका खाना बहुत अच्छी तरीके से उबल जाना चाहिए। जैसा कि मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसे उबलने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें आप कुछ और भी अलग तरीक़े से डाल सकते हैं, जैसे कि हो कॉलीफ्लावर हुआ, जैसे टमाटर हुआ। टमाटर को डालने से पहले आपको इसके छिलके को उतार देना होगा, अंदर के बीज को निकाल देना होगा क्योंकि ये पचता नहीं है। केवल इसके गुदा भाग को आपको इसमें डालना है और बॉयल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके छिलके को उतार दिया है और इसको बॉयल करने के लिए इसमें डाल देना है। जब आपका खाना बहुत अच्छी तरीके से उबल जाए, नरम हो जाए, तो आप इसको चावल के साथ मिक्स कर अपने पपी या डॉग को दें, जो कि काफ़ी हेल्दी होगा। चलिए इसे उबलने के लिए अब छोड़ देते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि चावल मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसे अब अपने पपी को दूंगा। इसमें आप कॉलीफ्लावर, बीन्स, पीज, आप अपने हिसाब से शिमला मिर्च, ये सब आप डाल सकते हैं। खा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।